हेलो दोस्तों, याराना आईओटी गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में आर्डिनो नैनो ESP32 के बारे में कंप्लीट नॉलेज लिया था। उसमें कंपेयर भी किया था आर्डिनो नैनो और आर्डिनो नैनो ESP32 के बारे में, और जो हमारा सबसे बेस्ट निकल के आया आर्डिनो नैनो ESP32, जो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई का दोनों का सपोर्ट है। तो और उसमें मैंने बताया था कि माइक्रो पाइथन का भी ये फुली सपोर्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रो पाइथन का कंप्लीट टेस्ट करेंगे, उसमें स्क्रिप्ट को रन करके, और उस माइक्रो पाइथन के स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से फार्मवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली माइक्रो पाइथन के स्क्रिप्ट को रन करने के लिए वैसे काफ़ी सारे एडिटर आते हैं, जैसे कि थोनी हो गया और पाईचैम्प हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया और इक्लिप्स हो गया, और काफ़ी सारे वैसे आते हैं IDE। लेकिन हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं आर्डिनो का एक रिसेंटली लॉन्च किया है जो IDE, उस एडिटर का यूज़ करेंगे। उस एडिटर का यूज़ करके हम लोग स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो कैसे उस एडिटर को हम लोग डाउनलोड करेंगे और कौन से फार्मवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारा माइक्रो पाइथन पोर्ट कर लेगा हमारा जो मैकबुक रहेगा या फिर मैक मिनी जो भी। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ें करके अपने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाते हैं। और अगर आप लोगों ने याराना IoT गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नॉट सब्सक्राइबर वाले ज़्यादा देखते हैं मेरी वीडियो और सब्सक्राइबर वाले कम। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और आप लोगों को सारा कुछ बताते हैं। सो हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारा IDE हो गया और फर्मवेयर हो गया, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और कैसे क्या कुछ आप लोग इंस्टॉल करें, मुझे इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा। और बेसिकली इसमें हम लोग स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो चलिए हम फर्मवेयर और IDE को इंस्टॉल करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने सारे लिंक्स को ओपन कर लिया है, और ये सारे लिंक्स यहाँ पे, जैसे अगर आप लोगों के पास मैक है, लिनक्स है, विंडोज़ है या फिर जो भी है, मेरे पास मैक है तो मैं मैक के लिए इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ आर्डिनो IDE को। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मेरा, और जैसे ही हो जाता है मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, सो ओपन, ये डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैक में इंस्टॉल करना नहीं होता, ये डायरेक्ट ही ओपन हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा ओपन होने दीजिए, तब तक मैं उसको दूसरे वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ, जो हमारा फर्मवेयर होता है ESP32 का, जो फर्मवेयर होता है उसको डाउनलोड किया जाता है। तो बेसिकली मेरे पास जो अभी फर्मवेयर, मतलब कि मेरे पास जो मैक है, मैं मैक के लिए इस फर्मवेयर को इंस्टॉल करता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ का चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा माइक्रो पाइथन है, मैं इसको फर्मवेयर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंड ये अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है। सो जस्ट वेट। सो यहाँ पे जो हमारा माइक्रो पाइथन इंस्टॉलर था वो इंस्टॉल हो, मतलब कि ओपन हो गया, डाउनलोड हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो ये भी कुछ टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो कुछ टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पास मैक है तो ये सारा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास विंडोज़ है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूंगा आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया, और ये डिटेक्शन कर रहा है, मतलब कि डिटेक्ट कर रहा है कि मेरे पास माइक्रो पाइथन में, मतलब कि जो मेरा आर्डिनो नैनो है, वो आर्डिनो नैनो ESP32 है, वो मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एंड कनेक्ट करने के बाद जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा जो माइक्रो पाइथन सपोर्ट करता है, जो हमारा आर्डिनो नैनो ESP32 वो माइक्रो पाइथन सपोर्ट करता है, उसके बाद ये हमको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दे देगा। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो माइक्रो पाइथन इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे दिया, एंड जस्ट हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए एंड इंस्टॉल हो रहा है। तो ये फर्मवेयर को डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली, आपके पास इंटरनेट मौजूदा होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट रहेगा तभी आप ये फर्मवेयर इंस्टॉल हो सकता है। तो वेट, ये हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल हो रहा है हमारे माइक्रो पाइथन, मतलब कि माइक्रो पाइथन के स्क्रिप्ट करने के लिए। तो जस्ट वेट, ये जैसे ही हमारा इंस्टॉल कंप्लीट होता है तो इस टाइप से जो हमारा डिटेक्शन है आर्डिनो नैनो ESP32 का, वो इस टाइप से शो होने लगेगा। और अब चलिए मैं इसमें कोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको कोड करके दिखाता हूँ, हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल हो गया है। और चलिए मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। सो
सो बेसिकली कोड को रन करने से पहले हमको अपने ISP32 जो हमारा आर्डिनो नैनो ESP32 है यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड बोर्ड को सिलेक्ट करते ही हमारा जो कनेक्ट है कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट को लिखेंगे वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली यहाँ पे रन हो जाएगी, मतलब कि कोई भी अपलोडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ही हमारा जो स्क्रिप्ट होता है वो डायरेक्ट रन होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके एक प्रिंट हेलो वर्ड लिख देता हूँ, एंड हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हेलो वर्ड यहाँ पे सो हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ कोड लिख के रखे हैं, और यहाँ पे जैसे मैक जो हमारा इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम मैक मशीन, मतलब कि जो इंपोर्ट करना होगा पिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे टाइम को भी इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेंगे माई LED के नाम से एक वेरिएबल हमने बना लिया है, और पिन 0 जो हमारा पिन नंबर है उसको 0 मतलब कि वहाँ पे आउट कर दिया है, एंड एक वाइल लूप हमने चलाया है उसके बाद उसको वाइल लूप को हमने ट्रू कर दिया है। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, एंड रन करने के बाद जैसे ही हम रन करते हैं तो हमारा ये कोड रन होने लगेगा, और जो हमारी हमको अपलोड करने का कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट ही हमारा कोड रन होगा, जो हमारी LED रहेगी वो 1 सेकेंड के लिए ऑफ और 1 सेकेंड के लिए ऑन होने लगेगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। हे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने याराना IoT गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।